Join our Telegram channel for free winning teams, free giveaways, exciting offers and last moment updates. Telegram channel joining link is in description box. नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज का ये वाला जो मैच है ना यार, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का जो सेमीफाइनल है वो खेला जाएगा इंडिया वोमेन और इंग्लैंड वोमेन के बीच में, और उसी मैच को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आगे इस वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे कि आप किस तरीके से इस मैच में अपनी टीम बना सकते हो, कौन से प्लेयर्स को आपको अपनी टीम में रखना है, कौन से प्लेयर्स को आप अपनी टीम से ड्रॉप कर सकते हो, किन्हें आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो, उस मैच की पिच रिपोर्ट क्या रहेगी, ठीक है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आगे इस वीडियो में हम देखेंगे, और उस इन्फॉर्मेशन का यूज करके जब आज आप अपनी टीम बनाओगे तो भाई बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो यार वीडियो को मिस मत करना, ध्यान से देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे छूट नहीं जाए। खैर बात करते हैं दोस्तों इस मैच के बारे में। तो ये वाला जो मैच है ये आज दोपहर को 3:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा, और ये वाला जो मैच है ये एजबस्टन बिर्मिंघम के अंदर खेला जाएगा। अब यार बिर्मिंघम के इस मैदान की क्या खास बात है क्या खास बात नहीं है उसके बारे में हम वीडियो में और बात करेंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार मैं आपसे एक बात जरूर बोलना चाहता हूँ। देखो यार कोई भी भाई आज अपने चैनल पर अगर नया आया है, पहली बार आया है, तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। दूसरी बात देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं अपने चैनल पर पिछले लगभग 3 साल से एकदम फ्री में टीम प्रोवाइड करवा रहा हूँ, एकदम फ्री में मैच की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जिसका फायदा लाखों लोग उठा रहे हैं और डेली प्रॉफिट कमा रहे हैं और आगे भी कमाते रहेंगे। तो अगर आपको भी भाई प्रॉफिट कमाते रहना है तो आपको देखो कुछ भी नया काम नहीं करना, आपको वही काम करना है जो 4 लाख से भी ज़्यादा लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या करना है वो देखो यार, नीचे लाल वाला बटन सब्सक्राइब वाला, जिस भी भाई ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो उस बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही साथ दोस्तों जो बगल में बेल आइकन आ रहा है उसे भी दबा के ऑन कर लेना, उससे क्या होगा कि जितनी भी अपडेट मैं आप लोगों के लिए अपने यूट्यूब चैनल पर लेके आऊँगा वो सारी की सारी अपडेट आप तक सही सलामत पहुँचती रहेंगी, और जब तक आपके पास अपडेट आती रहेंगी तब तक आपकी विनिंग होती रहेगी, ठीक है। तो ये काम आपको जरूर कर लेना है, 4 लाख से भी ज्यादा लोगों ने हमें भरोसा दिखाया है और एकदम फ्री में है ना, एकदम फ्री का है तो कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। बात करते हैं दोस्तों देखो इस मैदान के बारे में, तो जो मौसम है वो एकदम साफ रहने वाला है, बारिश की तरफ से कोई भी इंटरप्शन नहीं होगा और ये वाला मैच काफी एक्साइटिंग होने वाला है। सबसे पहले तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी तरफ से इंडियन टीम को बेस्ट ऑफ लक, इस मैच को जीतेंगे तो यार ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगेगा, इंपॉर्टेंट मैच है। खैर बात करते हैं दोस्तों हम पिच के बारे में, तो ये जो बिर्मिंघम का पिच है यहाँ पर जनरली ऐसा देखा गया है कि जो फास्ट बॉलर्स है उनको थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है स्टार्ट में, बैट्समैन को यहाँ पर पूरे मैच के दौरान सपोर्ट मिलता रहता है, लेकिन बीच में से जो पिच है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है और बीच में स्पिनर थोड़ा सा अटैक कर सकता है। लेकिन जनरल अगर मैं बताऊँ तो एक तो फास्ट बॉलर्स को यहाँ सपोर्ट मिलता है, दूसरा बैट्समैन भी यहाँ पर अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। इस मैच का दोस्तों अगर मैं एवरेज स्कोर बताऊं तो लगभग 160 के समथिंग बन सकता है, क्योंकि जो दोनों टीम है वो इस टाइम पे काफ़ी अच्छी फॉर्म में है। और बाकी दोस्तों अपने पास जो फाइनल पिच रिपोर्ट आएगी टॉस के आधे एक घंटे पहले आएगी, वो मैं आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। दोस्तों देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, आगे इस वीडियो में हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे, ठीक है। आगे हम इस वीडियो में हेड टू हेड रिकॉर्ड देखेंगे, रिसेंट परफॉर्मेंस, दोनों टीम्स की प्लेइंग इलेवन के सारे रिकॉर्ड देखेंगे, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ दोस्तों जो आपको आगे इस वीडियो में नहीं मिल सकती वो है यार इस मैच की फाइनल टीम, और वो क्यों नहीं मिल सकती, क्योंकि देखो अभी तक वो बनी ही नहीं है, अभी तक इस मैच का टॉस नहीं हुआ है, और जब तक टॉस नहीं होता था तब तक अपने पास नई नई अपडेट आती रहती है, टॉस होने के बाद अपने पास फाइनल प्लेइंग इलेवन आएगी, फाइनल पिच रिपोर्ट आएगी, ठीक है, उसी को देख के तो हम अपनी फाइनल टीम बनाते हैं। तो दोस्तों अपनी जो भी फाइनल टीम होगी वो आपके साथ हमेशा की तरह मैं टॉस के बाद अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। तो भाई बहुत जरूरी बात है, देखो टेलीग्राम चैनल की जो ज्वाइनिंग लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे रहा हूँ, उस लिंक पर क्लिक करोगे 2-3 सेकंड के अंदर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओगे, 1 लाख के समथिंग लोग वहां पर हमसे जुड़े हुए हैं और डेली हमारी फाइनल टीम्स और अपडेट्स का एकदम फ्री में फायदा उठा के लाखों रुपए जीत रहे हैं। तो आपने अगर नहीं ज्वाइन किया हो जरूर से जुड़ जाना है, अभी जाकर जुड़ जाओ, इस वीडियो को खत्म करने के बाद जुड़ना चाहो बाद में जुड़ जाना, लेकिन आपका जुड़ना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप जुड़ोगे तब तक आपको फाइनल टीम नहीं मिलेगी, फाइनल टीम जब तक नहीं मिलेगी, फाइनल अपडेट नहीं मिलेगी, तब तक आपका जीतना मुश्किल होगा, ठीक है। बात करें दोस्तों देखो रिसेंट परफॉर्मेंस और हेड टू हेड के बारे में, तो सबसे पहले इंडियन टीम की अगर हम बात करें तो पिछले 5 जो इन्होंने T20 इंटरनेशनल के मैच खेले हैं उनमें से इन्होंने 3 मैच जीत लिए हैं, और अगर मैं बात करूँ कॉमनवेल्थ गेम्स की तो इन्होंने टोटल 3 मैच खेले हैं, और 3 मैच में से दोस्तों पहला मैच जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेला था वो हार गए थे, उसके बाद 2 मैच ये जो जीते हैं, एक पाकिस्तान के अगेंस्ट, एक बारबाडोस के अगेंस्ट, ठीक है, दोनों मैच जो है ठीक ठीक जीते और जो प्लेयर हैं वो अच्छी फॉर्म में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात करूँ दोस्तों इंग्लैंड की तो ये भाई नेक्स्ट लेवल फॉर्म में है, इन्होंने जो पिछले 5 मैच खेले हैं 5 के 5 मैच जीते हैं, कॉमनवेल्थ के इस सीजन में भी दोस्तों 3 मैच जीते हैं, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड को हरा के आ रहे हैं, काफ़ी अच्छी फॉर्म में है और काफ़ी तगड़े जो प्लेयर है ना वो इंग्लैंड की टीम में है। तो मतलब ये वाला जो मैच है ये कॉम्पिटिशन अच्छा होगा, और मैं आपको सही सही बताऊँ जीतने के जो चांसेज है कहीं ना कहीं इंग्लैंड के ही ज़्यादा हैं, क्योंकि जो टीम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और हेड टू हेड रिकॉर्ड आप देखोगे तो आपको खुद समझ में आएगा, क्योंकि टोटल 22 मैच इन दोनों टीम्स के बीच में खेले जा चुके हैं, जिनमें से
से ओनली 5 times इंडिया की टीम ने विन किया है, इंडियन वोमेन की बात कर रहा हूँ, और इंग्लैंड की टीम ने 17 times विन किया है। तो डेफिनेटली जीतने के चांसेस इंग्लैंड के ज़्यादा है, लेकिन हम तो ऑफकोर्स बेस्ट ऑफ लक टू टीम इंडिया, अगर जीतेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा दोस्तों यार, आपने हमारा इतना वीडियो देख लिया, मतलब डेफिनेटली आपको वीडियो पसंद आ रहा है, और पसंद आ रहा हो तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर करना, ठीक है। ज़्यादा नहीं, लगभग 3000 लाइक्स आप लोगों के लिए इस वीडियो पर लाइक टारगेट रख रहा हूँ, तो 3000 लाइक आपको इस वीडियो पर कंप्लीट करना है, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, बस वीडियो देखते देखते उस लाइक के बटन को दबा देना। अब बात करते हैं दोस्तों देखो प्लेयर्स के बारे में, तो इंडिया टीम की जो प्लेइंग 11 है उसके बारे में सब बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो उनके सारे रिकॉर्ड भी देख लेंगे, ठीक है। साथ ही साथ तो ओपनिंग करते हुए आपको स्मृति मंदाना और शेफाली वर्मा नजर आ जाएंगी। इन दोनों की अगर हम रिकॉर्ड की बात करें तो स्मृति मंदाना ने T20 इंटरनेशनल में टोटल 88 मैच खेले हैं, जिनमें इन्होंने 2000 से भी ज्यादा रन बनाए और 25 से भी ज्यादा का बैटिंग एवरेज रहता है। काफी अच्छी प्लेयर है, कोई भी दिक्कत नहीं है। पिछले जो 3 कॉमनवेल्थ के गेम इन्होंने खेले हैं उनमें 150 आ चुकी है, 124 की पारी, और पिछले मैच में जरूर फेल हो गई थी, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूँ शेफाली वर्मा की, तो टोटल 33 मैच इन्होंने भी अपनी टीम के लिए खेले हैं, 801 इन्होंने रन बनाए हैं, 25 का बैटिंग एवरेज, और पिछले 3 मैच आप देखोगे तो 2 मैच में 40 प्लस का स्कोर आ चुका है, 1 मैच में 16 का स्कोर आया था और 1 विकेट भी ले चुके हैं। तो ध्यान रखना शेफाली वर्मा भी काफी अच्छी प्लेयर है। उसके बाद दोस्तों अगर मैं नेक्स्ट बात करूं जमाइमा की, तो इन्होंने टोटल 54 मैच अपनी टीम के लिए खेले हैं, जिसमें इन्होंने 1100 से ज्यादा रन बनाए हैं, 27 का बैटिंग एवरेज, और पिछले ही मैच में 56 रनों की पारी आई थी। उससे पहले के जो 2 मैच थे वो थोड़े हल्के थे। उसके बाद अगर दोस्तों मैं बात करूं हरमनप्रीत कौर की, तो इन्होंने काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, 125 मैच खेले हैं, 2463 के समथिंग के रन बनाए हैं, 28 के समथिंग का बैटिंग एवरेज भी है, और पिछले 3 मैच अगर आप देखोगे तो 150 आ चुकी है। इस बीच वाले मैच में इनकी बैटिंग नहीं आई थी और इस वाले मैच में इन्होंने रन 1 भी नहीं बनाया, LBW आउट हो गए थे, लेकिन बॉलिंग के साथ 1 विकेट जरूर लिया था। मतलब कि बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों के साथ पहुंच देने की क्षमता रखती है और आपकी टीम के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहने वाली है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं तानिया भाटिया की, देखो अगर इंडिया टीम को जीतना है ना, तो ये जो बड़े प्लेयर है ना, हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंदाना, शेफाली वर्मा, इन सबको चलना पड़ेगा। अगर इनमें से कोई फेल हो गया तो फिर जीतने के चांसेस ऑफकोर्स कम हो जाएंगे। उसके अलावा दोस्तों भाटिया की मैं बात करूं, तो 51 मैच इन्होंने खेले हैं, 172 रन बनाए हैं, कोई ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं है, 9.05 का बैटिंग एवरेज, पिछले 3 मैच में 1 ही मैच में खेलने का मौका मिला, उसमें भी 6 रन बनाए थे, ठीक है। तो डेफिनेटली अपनी टीम में ट्राई नहीं करेंगे। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं दीप्ति शर्मा की, तो इन्होंने टोटल 62 मैच खेले हैं, 521 रन बनाए हैं, 65 विकेट भी इन्होंने अपनी टीम के लिए लिए हैं, और पिछले जो 3 मैच आप देखोगे इसमें अगर आप देखोगे तो टोटल 2 ही विकेट इन्होंने लिए हैं, पिछले 2 मैच इनके विकेटलेस गए हैं, और बैटिंग के साथ भी थोड़े बहुत पॉइंट दिए। इस मैच में भी इनकी बैटिंग आएगी, इसकी चिंता मत करो, और बॉलिंग के साथ भी थोड़े बहुत पॉइंट दे सकते हैं, तो डेफिनेटली अपनी टीम में रहने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूँ पूजा वस्त्राकर की, तो टोटल 28 मैच इन्होंने खेले हैं, 184 रन, 21 विकेट हैं, ये कुछ इनका रिकॉर्ड है। पिछले मैच में खिलाया गया था लेकिन विकेट नहीं ले पाए, तो बैटिंग आई नहीं थी। देख लेना अगर इन्हें अपनी टीम में रखना चाहो और ड्रॉप भी करना चाहो तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसके अलावा दोस्तों राधा यादव की मैं बात करूँ, 44 मैच, 56 विकेट, काफ़ी अच्छी बॉलिंग है, 6.63 की इकोनॉमी रेट, पिछले 3 मैच में 3 विकेट हैं और 1 मैच इनका विकेट लेस गया था, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी बॉलर हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, इकोनॉमी रेट भी बहुत कंट्रोल में रहती है और बॉलिंग अच्छी करती हैं, तो अपनी टीम में रखना चाहो तो रख सकते हो, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पिक अपनी टीम के लिए रह सकता है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों मैं बात करूँ मेघना सिंह की, तो इनकी 1 ही मैच खेला, 1 विकेट लिया है, और जो 3 मैच इन्होंने रिसेंटली कॉमनवेल्थ गेम्स में खेले हैं, तीनों मैच में 1-1 विकेट आया है। तो अगर आपको कोई सेफ पिक चाहिए तो फिर आप एन सिंह के साथ जा सकते हो, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सुनील राणा की, तो 11 मैच इन्होंने खेले हैं, 5 ही विकेट लिए हैं, कोई खास परफॉर्मेंस बॉलिंग के साथ ओवरऑल तो नहीं किया, लेकिन रिसेंटली इनकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई है, पिछले 2 मैच में 3 विकेट अपनी टीम के नाम कर चुके हैं, तो देख लेना अगर रखना चाहो तो रख सकते हो। उसके अलावा दोस्तों लास्ट में रेणुका सिंह, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, डेफिनेटली अपनी टीम में 100% हम रखेंगे, और कैप्टन और वाइस कैप्टन के भी बहुत अच्छे रोल्स हैं। पिछले 3 मैच आप देख लो ना यार, कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 मैच में 9 विकेट अपनी टीम के नाम कर चुके हैं, और काफ़ी अच्छी बॉलिंग इस टाइम पर ये कर रही हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये तो हो गए हैं इंडिया के सारे प्लेयर, अब बात करेंगे इंग्लैंड के प्लेयर्स के बारे में, लेकिन उससे पहले अपने पास कुछ न्यूज़ है वो बता देते हैं। सबसे पहले तो देखो इंग्लैंड वोमेन की जो टीम की परमानेंट कैप्टन है हेदर नाइट, वो आपको इस मैच में खेलते हुए नहीं दिखेंगी, पहले भी नहीं खेलती थी, आगे भी खेलते हुए नहीं दिखेंगी, थोड़ा सा रेस्ट है उनको। और उसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूँ एक चीज़ कि इंग्लैंड वोमेन की जो टीम है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, तो अभी मैं आपको बता दूँ ये वाला जो मैच है ना, ये इनका 7वां ऐसा मैच होगा, लगातार 6 मैच ये जीत के आ रहे हैं T20 इंटरनेशनल में, हारे नहीं है, 5 तो मैंने ही आपको दिखाई, उससे पहले वाला मैच भी जीता था, ठीक है। तो ये अभी काफ़ी अच्छी फॉर्म में भी है और थोड़ा सा डेंजर रहेगा इंडियन टीम को। और अगर दोस्तों मैं बात करूँ सारे प्लेयर्स के
बारे में, तो सबसे ऊपर नाम आ जाता है डैनी व्हाइट का। इन्होंने टोटल 130 मैच खेले हैं, आप खुद ही देख लो ना यार, इनका एक्सपीरियंस देखो कितना एक्सपीरियंस है इनमें, ठीक है। अगर डैनी व्हाइट की मैं बात करूँ तो 130 मैच खेले हैं, 2000 से ज़्यादा रन है, 21 के बैटिंग एवरेज, और पिछले तीन मैच में कोई खास पारी आई नहीं है, एक मैच में 27 रनों की पारी जरूर आई थी। आपके लिए दोस्तों मैं ग्रैंड लीग की एक टिप छोड़ रहा हूँ, काफ़ी अच्छी प्लेयर हैं, इंडिया के अगेंस्ट भी काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस करती हैं, तो इनको आप ग्रैंड लीग की टीम में जरूर ट्राई करना, अगर हो सके तो स्मॉल लीग की टीम में भी ट्राई कर लेना, मिनी ग्रैंड लीग वगैरह रिस्की खेलना चाहो तो ले लेना, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूँ डंकली की, तो टोटल 29 मैच इन्होंने खेले हैं, 278 रन इनके हैं, 21.38 का बैटिंग एवरेज, और पिछले तीन मैच अगर आप देखोगे तो कोई खास परफॉर्मेंस इनकी आई नहीं है, 20 से ऊपर की भी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कैप्सी की, तो यार इस टाइम पे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करी है अपनी टीम के लिए, टोटल 5 ही मैच खेले, वैसे कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस काफ़ी गजब की है, ठीक है। 5 मैच में 142 रन भी ले लिए, एक विकेट भी आ गया है ना, बैटिंग एवरेज भी शानदार है, इकोनॉमी रेट भी है, कोई दिक्कत नहीं है, और पिछले तीन मैच में 44-50 भी आ चुकी है, 23 रनों की पारी भी आ चुकी है, ठीक है। अगर बॉलिंग मिलती है तो विकेट भी ले सकते हैं, लेकिन लेने के चांसेस कम है, बैटिंग में अच्छी परफॉर्मेंस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों नेट सीवर की, तो 97 मैच इन्होंने खेले, 1800 से ज़्यादा रन है और 74 विकेट भी हैं, इनका जो बैटिंग एवरेज है 25 के समथिंग, 6.4 की इकोनॉमी रेट, और पिछले तीन मैच में कोई खास परफॉर्मेंस वैसे आई नहीं है इनकी, और इनका जो क्रेडिट है वो भी बहुत ज़्यादा रहने वाला है, तो हो सकता है हम इन्हें अपनी टीम से ड्रॉप करें, क्योंकि क्रेडिट की प्रॉब्लम आएगी इस मैच में, ठीक है। तो ये उनकी कुछ परफॉर्मेंस आप देख लेना, अगर आपको ज़्यादा ही अच्छी लगे तो रख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूँ एमी जोन्स की, तो ये विकेट कीपर हैं और इन्होंने 71 मैच खेले हैं, 1000 प्लस रन है, 22 के समथिंग बैटिंग एवरेज, और पिछले तीन मैच में 36 नॉट आउट और 18 नॉट आउट की पारी आ चुकी है, मतलब कि बड़ी पारी खेलने का इनमें वो है, योग्यता है, और डेफिनेटली अपनी टीम में रखेंगे। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूँ बौशियार की, तो टोटल 9 मैच इन्होंने खेले हैं, 75 रन इन्होंने बनाए हैं, कोई खास परफॉर्मेंस आई नहीं है, तो डेफिनेटली अपनी टीम में हम ट्राई नहीं करने वाले। उसके अलावा दोस्तों बंट की अगर मैं बात करूँ, तो एक्सपीरियंस इनको भी काफ़ी ज़्यादा है, 102 मैच इन्होंने खेले हैं, 550 रन बनाए हैं और 107 भी विकेट लिए हैं, ठीक है। 102 मैच में 107 विकेट काफ़ी सही है, ऊपर से 550 रन बनाए हैं, तो ये एक एडवांटेज है, ठीक है। बैटिंग एवरेज भी सही है, इकोनॉमी रेट भी काफ़ी कंट्रोल में है, पिछले तीन मैच में 4 विकेट तो लिए ही लिए हैं, साथ ही साथ 38 नॉट आउट की एक पारी भी खेले हैं, तो डेफिनेटली इन्हें हम अपनी टीम में ट्राई करेंगे, और कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी काफ़ी अच्छी चॉइस आपके लिए रहने वाली है। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात एक्सेल स्टोन की, तो इन्होंने टोटल 56 मैच खेले हैं, जिसमें 78 विकेट है, तो काफी अच्छी बॉलर हैं, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, इकोनॉमी रेट भी कंट्रोल में है, पिछले तीन मैच में 5 विकेट अपनी टीम के नाम ये भी कर चुकी हैं, और ये भी आपकी टीम के लिए काफी इंपॉर्टेंट पिक रहने वाली है, ठीक है। लास्ट में दोस्तों अपने पास तीन प्लेयर और बचते हैं, एक का नाम है कैम्प, एक का नाम है वोंग और एक का नाम है ग्लेन, ठीक है। तीनों की अगर दोस्तों मैं बात करूँ, तो देखो कैम्प तो एक्सपीरियंस थोड़ा कम है और जो परफॉर्मेंस है वो भी थोड़ी ऊपर नीचे रहती है कभी कभी, ठीक है, सिंपल सी बात है, इकोनॉमी रेट एसी है, पिछले तीन मैच में 3 विकेट हैं, पिछला मैच विकेट लेस गया। उसके अलावा दोस्तों वोंग की बात करूं, तो काफी अच्छी बॉलर हैं, 5 मैच में 5 विकेट अपनी टीम के नाम कर चुके हैं, 6.18 की इकोनॉमी रेट, और पिछले 3 मैच में 4 विकेट इन्होंने लिए हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं सेरा ग्लेन की, तो 32 मैच में 40 विकेट ले चुके हैं, 6.03 की इकोनॉमी रेट, और पिछले 3 मैच में 3 विकेट हैं, 1 मैच इनका भी विकेट लेस, ठीक है। तो ये दोनों अच्छी बॉलर हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से किसी एक को रखना चाहो तो एक को रख लो, या फिर दोनों को भी रखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब दोस्तों देखो इस मैच से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन मुझे आपको बतानी है ना, उतने मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। अब मैं आपको फटाफट से अपनी एक टीम दिखाने वाला हूँ, लेकिन वही बात है यार, ये जो भी टीम मैं आपको दिखाने वाला हूँ ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक डेमो टीम है, ये अपनी फाइनल टीम नहीं है, इसको कॉपी करके इसको छाप के अपने कॉन्टेस्ट ज्वाइन मत कर लेना, अपना नुकसान करवा सकते हो, क्योंकि यार अभी तक अपनी फाइनल टीम बनी नहीं है, वो टॉस के बाद बनेगी, वो मैं आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगा, तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, वीडियो खत्म होने वाला है, खत्म करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। बाकी अपनी जो डेमो टीम है वो आपको अभी अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख पा रही होगी, इसमें देख लो मैंने क्या क्या रखा हुआ है, और जो चेंजेस आप कर सकते हो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एमी जोन्स रखी हुई है, यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा स्मृति मंदाना है, शेफाली वर्मा है और कैप्सी है, यहाँ पर देखोगे कैथरीन बंट है, हरमनप्रीत कौर है, दीप्ति शर्मा है, एस एल स्टोन है, यादव है, रेणुका सिंह है और आई वोंग है। अब इनमें देखो मैं चेंजेस आपको बता देता हूँ, हो सकता है आप वोंग को ड्रॉप करो और सेरा ग्लेन को उठाओ, ठीक है, एक तो ये आप कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों यहाँ से जाना चाहो तो जेमाइमा के साथ जा सकते हो, जिन्होंने पिछले ही मैच में 50 मारी है, या फिर अगर आपको थोड़ा सा रिस्क लेना है तो डैनी व्हाइट, जिनके बारे में मैंने आपको बोला कि अच्छी पारी खेल सकती है, ग्रैंड लीग पिक हो सकती है, उनको यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। अगर किसी बैट्समैन में से किसी को ड्रॉप करना चाहो तो रिस्क लेके अगर शेफाली वर्मा को ड्रॉप करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, रख लेना अपनी टीम में। और नीचे से यहाँ से ऑलराउंडर में से आपके पास नेट सीवर, जिनके बारे में मैं बात कर रहा था, उनका भी ऑप्शन है, लेकिन क्रेडिट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, इसलिए उनको हम अपनी टीम में ले नहीं पाए। तो ये कुछ टीम है, बाकी इनमें जो भी चेंजेस होंगे वो मैं आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। बाकी दोस्तों अगर हम बात करें कैप्टन और वाइस कैप्टन की इन्हीं 11 प्लेयर में, तो देख लो यार कैथरीन बंट ऑफ कोर्स आपकी टीम के लिए एक अच्छी कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस है। उसके अलावा स्मृति मंदाना को भी आप बना सकते हो, रेगुलर
अपनी परफॉर्मेंस करती आई हैं। हरमनप्रीत कौर जो कि बैटिंग प्लस बॉलिंग के साथ पॉइंट दे सकती हैं और दीप्ति शर्मा भी सेम बैटिंग प्लस बॉलिंग के साथ पॉइंट दे सकती हैं। ठीक है, तो ये कुछ आपके लिए मेन कैप्टन और वाइस कैप्टन की चॉइसेज हो जाती हैं। और ऑफकोर्स रेणुका सिंह जो कि रेगुलरली 3 मैच में 9 विकेट ले चुके हैं, ये भी हैं। ठीक है, तो कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइसेज में भी दोस्तों अगर कोई चेंजेज होंगे तो वो भी मैं आपके साथ टॉस के बाद अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगा। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, अपना ध्यान रखिएगा और ऑफकोर्स बेस्ट ऑफ लक टू टीम इंडिया वंस अगेन।